हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजन महाजन, और जनरल अवेयरनेस के एक बहुत शानदार टॉपिक जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है आपके, और उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। और ये डिस्कशन आपके नॉलेज को बढ़ाएगा, और साथ ही साथ आने वाले समय में कुछ चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी होगी 30 दिन। बहुत अच्छी खुशी की खबर है। अभी तक हम लोग सिर्फ 28 दिन का रिचार्ज कराते थे, और है ना, और रिचार्ज के साथ साथ 28 दिन ही हमारा मोबाइल काम करता था। यानी महीना होता है कितना, 30 दिन या 31 दिन का, ऐसा भी नहीं, 28 दिन का भी महीना होता है, 28 का भी होता है, 30 का भी और 31 का भी। लेकिन जो रिचार्ज की एक ड्यूरेशन रखी गई, एक 1 मंथ का इसका वो रखा गया, और इसमें एक बहुत ज्यादा विरोधाभास निकला। लोग आपस में ही कह रहे थे, और बहुत सारी TRAI एक रेगुलेटरी संस्था है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उस पर बहुत सारे लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, और आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर हैं वो भी इस जानकारी से बहुत खुश होंगे कि अब चलिए कम से कम 2 दिन का 3 दिन का जो रिचार्ज का झाम रहता था उससे भी निजात पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये न्यूज़ थोड़ा सा है, लेकिन अभी इस पे हम लोग डिटेल समझेंगे जब थोड़ा आप समझ पाएंगे। यहाँ पर आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, इन लाइन विद ट्राई डायरेक्टिव ऑल मोबाइल ऑपरेटर्स ऑफरिंग 30 डेज प्लान्स। यानी जो ट्राई के द्वारा अब जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां आपकी, चाहे जियो हो, BI यानी वोडाफोन आइडिया हो, चाहे एयरटेल हो, और भी कंपनियां जो आपको मोबाइल सिम्स कार्ड जो अवेलेबल कराती हैं, हम लोग डेटा जिनका यूज करते हैं उनको लेकर के ये न्यूज है। और ये कंपनियां अब ट्राई के द्वारा एक इनको ऑफरिंग किया गया है, एक प्रस्ताव दिया गया है, और सुझाव के रूप में ना कहें, एक दबाव स्वरूप कहा गया है कि आप इसको क्या करिए, अब जो 28 दिन वाली कहानी थी इसको आगे बढ़ाइए, ऑफरिंग 30 डेज प्लान्स, 30 दिन का प्लान कर दीजिए। और जो लोग बढ़िया 1 साल का प्लान कराने की कोशिश कर रहे थे ना, तो उनका 1 साल का प्लान कैसे होता था, वो 13 महीने का, यानी 12 महीने के प्लान की जगह 13 महीने का प्लान होता था। इस पर भी मैं समझूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में ट्राई बोलते हैं, हैज सेड दैट ऑल मोबाइल ऑपरेटर्स, यानी जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां हैं, हेड हेडेड इट्स अर्लियर डायरेक्टिव दैट रिक्वायर देम टू ऑपरेट लीस्ट 1 प्लान वाउचर, PV जिसको बोलेंगे, 1 स्पेशल टेरिफ वाउचर यानी STV, और अदर 1 कॉम्बो वाउचर जिसको हम लोग CV बोलेंगे, विद 30 डेज या मंथली वैलिडिटी अमाउंग देयर टेरिफ प्लान। यानी ट्राई के द्वारा ये 3 प्लान आपके दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक प्लान है आपका जिसको इन्होंने बोला है PV, है ना, ये दूसरा प्लान है आपका STV, ये टेरिफ बाउचर है, 1 स्पेशल टेरिफ बाउचर, और फिर इसके बाद कॉम्बो बाउचर CV। ये 3 प्रकार के आपके जो होंगे रिचार्ज के एक नए ऑफर ट्राई के द्वारा सुझाए गए हैं टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियों को। अब देखना ये है कि ये सुझाव आगे जाके लागू होते हैं या इन पर कुछ संशोधन होगा। अभी फिलहाल की एक खबर है, इसको आप देख सकते हैं, कल की खबर है 12 सितंबर 2022 की, जिसको मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये है कि जो आज का युग है आधुनिक युग है, और इस आधुनिक युग को डिजिटल युग बोलते हैं। इस डिजिटल युग में हर एक चीज डिजिटल है, और डिजिटल चीजें कैसे होती हैं, मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों के द्वारा या फिर जो ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्ध कराती है उनके द्वारा इंटरनेट माध्यम से वो सब चीजें अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर भारतीय एयरटेल, जियो, BI या BSNL ऑफरिंग 30 डेज, ये भी उसी का दूसरा आर्टिकल है, प्लान्स इन कंसोनेंस विद ट्राई ऑर्डर। ट्राई का एक ऑर्डर है, इसके तहत ये दूसरा आर्टिकल है, दूसरी न्यूज का है, इसको भी आप समझेंगे। ये आपका 13 सितंबर का आर्टिकल था, सितंबर 13 2022 का, 4:33 पे आर्टिकल आउट हुआ, और इकोनॉमिक टाइम्स नाम से है ये, इनने भी इसी बात को बताया है। अब आगे जाके देखते हैं, मैं बहुत देर से आपसे चर्चा कर रहा हूँ ट्राई की। व्हाट इज ट्राई, ट्राई क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको कब स्टेबल किया गया, और इसके स्टेबल के साथ साथ इसकी और नई जानकारी हम लोग कैसे समझें, मैं आपको डिटेल बताता हूं। और ये ट्राई एक भारत सरकार की ही कंपनी है, और ट्राई को
जो बहुत सारे एक्ट होते हैं ना, तो वैसे ही एक्ट आया द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको ट्राई बोलते हैं हम, इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं हम, है ना, इज ए रेगुलेटरी बॉडी सेट अप बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 3 टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत इसको स्थापित किया गया है, ट्राई एक्ट 1997, याद रखिएगा TRAI, जो ट्राई एक्ट है 1997 के तहत इसको स्टेबल किया गया, और ये टेली कम्युनिकेशन है ना, जो होता है ना टेली कम्युनिकेशन, जो टेलीफोन ये बातचीत करते हैं हम लोग, टेली कम्युनिकेशन मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जो ऑपरेटर कंपनियां हैं उन्हीं को ये रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था ट्राई। इसकी फाउंडेशन एग्जैक्ट देखें तो कब फाउंडेड हुआ, 20 फरवरी 1997 को इसका फाउंडेशन हुआ। सेक्टर, ये किस सेक्टर में काम करता, तो टेली कम्युनिकेशन, मैंने जैसे कि आपको बताया। इसका न्याय अधिकार क्षेत्र इंडिया में है, जरिस्डिक्शन क्षेत्र और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। साथ ही साथ इसके वर्तमान में हेड देखें तो राम सेवक शर्मा इसके ट्राई के हेड हैं, और इसके सेक्रेटरी सुनील कुमार गुप्ता। ये ट्राई से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, शायद आपका ये प्रश्न ये और इसका ये चीज आ सकती है। हेडक्वार्टर प्रश्न कई बार पूछा गया है, फाउंडेड और अध्यक्ष, ये तीन प्रश्न आपके आ सकते हैं, तो मैंने इसमें बताने का प्रयास किया। 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना होती है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और राम सेवक शर्मा इसके चेयरपर्सन हैं, ये आप याद रखिएगा। ट्राई के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, बिना मोबाइल अब चलता कुछ कहाँ है ना, कुछ इरादे हो दिमाग में तो मोबाइल में जो इरादे होते हैं वो वहीं तक पहुंच जाते हैं। जैसे आपने सोचा कि मैं गेम खेलना चाहता हूँ, तो आपने मोबाइल छुआ कि मोबाइल में गेम सर्च कर दिया। आपने सोचा कि मैं कोई अच्छी सी एंटरटेनिंग मूवी देखना चाहता हूँ, तो यूट्यूब पे सर्च किया, कुछ ना कुछ हो सकता है पूरी या थोड़ा बहुत उसका पार्ट मिल जाएगा, है ना। तो मोबाइल एक बहुत आवश्यक चीज हो गई है, और मोबाइल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है जानना। ये मोबाइल सर्विस जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां हैं उनके यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, और दिन भर हम लोग जो टिक 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 करते रहते हैं ना फोन में, ये वही कंपनियां हैं हमको वहां पर ले जाती हैं। जैसे किसी ने थोड़ा सा रिचार्ज कम दे दिया, या किसी की नेट फास्ट बहुत होती है, किसी का नेट बहुत स्लो होता है ना, तो ये थोड़ा पुराना है पिक्चर, ये पुराना पिक्चर निकाला गया था। और ये तो क्या अब 30 दिन का होगा टैरिफ प्लान, है ना, ये 11 जून 2021 का ये पुराना कमेंटेड ट्राई के द्वारा इसको बारे में पहली बार डिस्कशन किया गया था, और कई बार फिर इसकी डेट बढ़ाते गए। अब जाके इस पर बहुत सारे लोगों की राय मांगी गई थी ट्राई के द्वारा, और उस पर अब जाके फाइनली ट्राई ने डिसीजन लिया है। और अब जो साल में 13 महीने हो गए थे ना, आपने किसी किताब में और किसी भी चीज में नहीं देखा होगा कि साल में 13 महीने होते हैं, और पेपर में भी धोखे से ना लगा देना कभी, है ना, 12 महीने का ही पूरा साल होता है, और वो महीने भले ही 28, 30 या फिर आपके 31 दिन के हों, लेकिन जो साल होता है वो 12 माह का होता है। कितने का, 12 मंथ का। ये 13 माह का जो झाम था वो कहाँ से आया, जो टेलीकॉम रेगुलेटर कंपनियां हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां हैं उनके द्वारा, है ना। तो इसी 13 महीने के झाम को खत्म करने के लिए और उससे लोगों को राहत दिलाने के लिए ही टेलीकॉम कंपनियों को ये 30 दिन की वैलिडिटी देने का प्रस्ताव दिया गया है, कि अब भैया अब 28 दिन का बहुत मजा मान लिया आपने, है ना, दो दो तीन तीन दिन काट काट के आपने पूरा महीना बना लिया, ऐसा तो होता भी नहीं है। और या तो आप 30 दिन का रिचार्ज दें, या फिर 31 डेज का रिचार्ज दें, या फिर मैंने तीन रिचार्ज आपको बताया ना, तो वो तीन रिचार्ज में से किसी भी प्रकार की मोबाइल की आप उनको क्या करें, सुविधा दें, लेकिन आप 13 महीने का साल ना डेवलप करें, ये बहुत दुखदायी हो सकता है। और 13 महीने का साल हम सब के लिए भी भारी पड़ता है। जैसे आप एक मोटा सा अंदाज लगाएं कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 299 रुपये लगभग, और 12 माह हो गए, तो आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना 3588 रुपये का रिचार्ज पड़ेगा आपका 1 ईयर का, ये 12 माह के हिसाब से है। अब इसी में आप 299 और जोड़ दे दिए, तो 3588 और 299 भी इसमें जोड़ेंगे,
3837। देखिए अब अंतर दिखने लगा ना, 13 महीने और 12 महीने में आपका इतना अंतर हो जाएगा, यानी आप 299 रुपये का एक रिचार्ज बचा सकते हैं, ये पहले 13 महीने वाले झाम से जब निजात पाएंगे। अभी इस पर चर्चा चल रही है कब लागू होगा, कब फोर्सली ट्राई कंपनियों पर आरोपित करेगा। अभी बताया गया है, 2 बार उनको कहा भी गया, कंपनी द्वारा बहुत बार अपने जो होता है ना अपने भी विचार रखेगा और अपने तरफ से कुछ सुझाव दिए गए कि क्या हम ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि अब यदि 30 दिन का भी रिचार्ज होता है तो 7 दिन बच जाएंगे, 28 दिन का था तो चलिए मिनिमम 1 मंथ ऐसा होता है जो 28 दिन का होता है ना। अब 28 दिन की समस्या से, 30 दिन की समस्या से, या 31 डेज की समस्या से कैसे निजात पाएं, इसके लिए ट्राई कई प्रकार के सुझाव दे रहा है, और उन्हीं सुझाव में से ये 30 दिन वाला सुझाव है। जो ये ट्राई की प्रेस रिलीज हुई कल ही की है, देख लीजिए, प्रेस रिलीज नंबर 62/2022 रिगार्डिंग अवेलिंग रिसेंटली लॉन्च वाउचर ऑफ 30 डेज वैलिडिटी एंड रिन्यूअल ऑन सेम डेट ऑफ एवरी मंथ। देखिए अब ये बढ़िया सा सुझाव हमको आई होप लग रहा है, शायद आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। इसने कहा वैलिडिटी और रिन्यूअल एज सेम डेट ऑफ एवरी मंथ, यानी जैसे मैं आपको बताऊं आज 14 सितंबर है और 1 महीने का रिचार्ज किया हमने 30 डेज का, तो वैसे तो 30 डेज में आपका हो जाना चाहिए 14 अक्टूबर, है ना। ये 30 दिन का होगा, सॉरी 30 मई लग गया है, यहाँ पर 30 दिन का होगा जब आपका रिचार्ज, तो आप क्या करेंगे, 30 डेज का जब रिचार्ज होगा आपका तो आप आराम से 1 महीने बाद याद आएगा। अब 28 दिन का रहता था तो हमने जैसे 12 को कराया तो वो 10 को, यानी हम इसमें रहते थे चलिए 12 को ही रिचार्ज खत्म होगा, लेकिन वो 28 दिन का होता है तो क्या होता है, उससे बहुत सारी परेशानियां होती थी लोगों को। और इसी के निजात के लिए ट्राई ट्राई का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, 25 वर्ष इसके स्थापना के हो गए, आजादी के अमृत महोत्सव के इसमें साथ ही लोगो बना हुआ है, और इसकी प्रेस रिलीज हुई कल, परसों की प्रेस रिलीज थी 12 सितंबर 2022 की। इसने बताया है कि हम वैलिडिटी और रिन्यूअल और सेम डेट ऑफ एवरी मंथ पर विचार कर रहे हैं, जल्दी इसको कंपनियां जो मोबाइल ऑपरेटर हैं वो कंपनियां इसको लागू करने का प्रयास करेंगी, और अब देखिए कितने जल्दी इसको लागू किया जाता है इस पर विचार चल रहा है। ये प्रेस रिलीज की कुछ कटिंग है यहाँ पर, आई होप आप लोग पढ़ ले, है ना, बहुत छोटा छोटा लिखा होता है और डिस्प्ले पे बहुत बड़ा करके मैं दिखा भी नहीं सकता, बस आप देख लीजिए ये 12 सितंबर की प्रेस रिलीज है ना, 12 सितंबर यहाँ पर आराम से काट के लिख दिया गया है 2022 की, और इसी में बताया गया है कि अब टेलीकॉम कंपनियों को हम लोगों ने पर्सनली न्यूज दी है और बताया है इसके बारे में, अवेल किया है कि आप अब 28 दिन वाला समस्या पर किसी भी प्रकार से अपना फोकस हटाइए, 30 दिन का रिचार्ज लोगों के लिए लाइए। अब कंपनियों के लिए भी पेच है, पेच क्या है आपने देखा होगा जब लिखा रहता है क्या, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, है ना, मोबाइल का जमाना है भाई साहब, मोबाइल की जानकारी नहीं जानेंगे ना तो फिर मतलब मान लीजिए कि अब हम लोग बहुत सारी चीजें आज भी नहीं जान रहे। जैसे हम लोग देखते थे कि हमने क्या किया, रिचार्ज किया, जब रिचार्ज हमने कर लिया तब 30 दिन का जो समस्या है, चलिए ठीक है इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, कंपनी का कहना है आपने रिचार्ज किया 30 दिन का, हमने रिचार्ज दे दिया चलिए कोई बात नहीं, फिर भी इसमें 7 डेज बच रहे हैं, है ना, बच रहे हैं 7 डे, यानी 7 दिन बच रहे हैं, चलिए एक समस्या। समस्या यहां पर दूसरी देखें आप क्या, प्रचार, है ना, यही तो समस्या है आज के जमाने की भाई साहब, प्रचार ना हो तो फिर माहौल कैसे बनेगा, है ना। तो कंपनियां क्या करती हैं, प्रॉपर अपने किसी भी प्लान का प्रचार करती हैं, एडवर्टाइज करती हैं, उस पर करोड़ों रुपए स्पेंड करती हैं अपना। और अब जैसे हम एकाएक कंपनी को कह रहे हैं कि कल से आप 30 दिन का रिचार्ज लाइए 30 डेज का, तो ये मुझे लगता है कि मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है कंपनी के लिए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, हजारों करोड़ का इन्वेस्ट होता है उसमें, और उसमें प्रॉपर उसके लिए पहले से प्लानिंग होती है, और इसलिए कंपनियों ने 2 बार 60 60 दिन का समय मांगा है, इस बार भी 60 दिन का समय फिर से मांगा है, और इस 60 60 दिन का ऐसे समय चलते चलते हम लोग सितंबर पर पहुंच गए, न्यूज जनवरी से शुरू हुई थी और सितंबर आ गया,
देखते हैं आगे 1-2 महीने और लगते हैं कि 60 दिन की कहानी अभी फिर 60 दिन बढ़ेगी। ये तो इंडिया है, यहाँ चलता रहता है, और यहाँ पर 60 दिन क्या 600 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन 30 दिन वाला जो प्लान है वो इसलिए फंस रहा है क्यों, लेकिन कंपनी को ट्राई ने सुझाव दिए, अब कंपनी उस पर अपना एप्लीकेशन करेगी। यदि आप समझें उसको उचित लगता है और कंपनी के जो फायदे और नुकसान की बात है उसको वो समझेंगे तो जरूर लागू करेंगे, नहीं तो फिर कोई दूसरा उपाय करेंगे। और देखिए ट्राई एक अपने आप में एक बॉडी है और रेगुलेटरी बॉडी है, यानी उसको पूरा अधिकार है, यदि ये लोग अपनी इच्छा से लागू नहीं करेंगे तो ट्राई इसको जबरदस्ती लागू करवा देगा, और जबरदस्ती लागू करवाएगा तो भाई साहब नुकसान उनका हो सकता है लेकिन पब्लिक का नहीं, है ना, बहुत खुश होंगे, बढ़िया चलिए भाई साहब अब कुछ निजात हुआ, अब 13 महीने वाला जो दौर था वो चला गया, 12 महीने ही हमारे रहने वाले, तो बहुत बढ़िया से आप समझिए। ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है और इनको जान लेना जरूरी है। ट्राई क्या है, ट्राई की रिलीज रिलीज और साथ ही साथ आगे, अब आपको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन बताना था। आई होप कि 13 जो साल में 13 महीने की रिचार्ज वाली समस्या से आप लोग राहत पाएंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका अपना ये जो क्लू है, उसने जो अपना बात रखी ऑफर किया है इनको, अब आगे देखते हैं ये कब लागू होता है, और ये जो सपना है 30 दिन वाला ये कब पूरा होगा। पहले 30 ही दिन होता था ना, फिर कंपनियों ने धीरे धीरे इसको 28 दिन लाए, तो चलिए आगे अब 28 दिन से 30 दिन कब होता है जल्दी से लागू करवाइए। और वीडियो में आप लोगों को मैंने बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास किया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और जो भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो अपने साथियों तक जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे ही महत्वपूर्ण और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए लिटरेचर लवर्स के साथ, और रखिए अपना ख्याल, फिर ऐसे ही टॉपिक डे बाई डे आते रहें, तो इसके लिए आप जरूर सपोर्ट करें, और इंटरेस्टिंग पॉइंट होते हैं तो उन पर जानकारी अपनी रखना और अपने भी विचार रखना, आप भी बताइए कि आपके विचार में इस प्रकार की चीजें सही हैं या गलत। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का नमस्कार, थैंक यू।